हाय फैमिली, सर आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेता हूँ। आज मैं चार्ट्स पे इसके लिए आया हूँ क्योंकि आपको चार्ट्स पे चीज़ें एक्चुअली समझ पाएंगे आप, रेदर देन मेरा चेहरा देख के। कोई है तो है नहीं, चांद का क्या चांद सा सुनहरा चेहरा कि आप देखो, राइट। तो सर इम्पोर्टेंट क्या है, देखो मैं आपको एक हेज दिया था यार, दिया था, और मैंने यही बोला था अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो अपने हेज में प्रॉफिट होगा, अगर फ्लैट खुलेगा तो लॉस होगा। भाई फ्लैट खुला, लॉस हुआ, एडमिट करा, मैं क्लियर बोला भी ना भाई कि हुआ तो ही होगा। और कल का व्यू मेरे को लगा था जीडीपी का जो डेटा है उस पर एटलीस्ट डाउ रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर गैप अप गैप डाउन का फ़ायदा अपन उठा लेंगे। वही रीज़न वही व्यू से मैं आया आपको रात तक। मैं कभी मैं भाई ये डाउ ये सब ट्रैक नहीं करता हूँ, सिर्फ मैंने आपको एक कॉल दी है तो मैं ट्रैक किया। कल डिस्कशन ग्रुप में ही पेड डिस्कशन ग्रुप में वही बात करी कि सर आप कैसे ट्रैक कर रहे हो, आप तो ये सब चीज़ें बिलीव नहीं करते। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं खुद कॉल लेके हूं और मैंने दी है, क्योंकि आपको ही पता भाई मेरे को ओवरनाइट पोजीशन पसंद नहीं है, जो आया इंट्राडे में ले लो और चलते बनो वैसा गेम रहता है, राइट। और ये मार्केट भी वैसे ही है देखा गया तो। और तो एक बंदा आके कहता है कि तू क्या बेसिस पे ये बोल रहा है, यार समझ यार कुछ होगा इवेंट तो समझ के दिया। अब तुम्हारा डाउन नहीं किया तो मैं क्या करूँ, नॉर्मल डेली डेली देखो आप नॉर्मली, अदरवाइज गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन से मैं दिया नहीं हुआ तो एडमिट करो ना यार, चलते बनो क्या करने का। और वैसे भी कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ भाई, 1000 से 1500 का मुश्किल से लॉस हुआ होगा तुम्हें, अगर दो लॉट भी होंगे 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो उसके लिए इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी, कहने का मतलब। दूसरा मैं भगवान तो हूँ नहीं भाई, ये बात याद रखो। और आज एक एक्चुअली और एक क्या हो गया कि मैं जिम स्टार्ट नहीं कर रहा था, जिम इन द सेंस मेरे को बॉक्सिंग करना था, तो कई दिन से दोस्त को कल 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 बोलते गया, तो हमें एक एक्चुअली चैलेंज हो गया था। बॉस चैलेंज क्या हो गया कि 70,000 के 1 लाख रुपए एक दिन में बनाना है, तो भाई मैंने 70 के 75 बना लिए थे, बट अपनी एक वॉलेटिलिटी से 42 पे मेरा PNL आ गया। और एंड में फिर वो ऐसा ट्रांसफिन मैंने कुछ जो भी 4-5 लॉट लेके बैठ गया, वो किस्मत ही ऐसी है यार, इक्विटी फटे जा रहा है, ऑप्शंस गिरे जा रहा है, समझ में नहीं आया वो फंडा, वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फिर ओवरऑल अपना एक क्या कहते हैं निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी थोड़ा शॉर्ट मार के अपन कवर कर लिए थे, उस टाइम थोड़ा गिर रहा था तो एक 50 पॉइंट में स्कैल्प मार के 50,000 प्रॉफिट कर दिए, बट चैलेंज हार गया। तो आज मेरे को बॉक्सिंग जानी पड़ी, अब उस कारण से आपको थोड़ी आवाज़ मेरी कम आ रही होगी क्योंकि पूरी जो ताकत है बॉक्सिंग में चली गई, आज पसीने पूरा मतलब बॉडी पेन्स हो रहे हैं अभी से ही। और अब बात कर लेते हैं सर कल क्या होगा, कल नहीं सर नॉट ओनली कल, ट्रेंडिंग कब होगा उसकी बात करते हैं कि ट्रेंडिंग कब होगा। सिंपल चीज़ है सर, ट्रेंडिंग जब भी होगा जब 15,900 के ऊपर मार्केट जाएगी और ये गैप फिल करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो वन साइडेड मूव हो जाएगा, नहीं तो 15,900 के ऊपर एक बार गई तो ये गैप फिल करके आएगी। अच्छा डाउन साइड ट्रेंडिंग जब होगा, जब ये नीचे से देखो आप ट्रेंड लाइन जो है नीचे से वो है ना ये तोड़ देगी, वो आता है करीब 670 से 700 के बीच में, राइट। वो जब तोड़ेगी तो ही आपको एक ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ आ सकता है, बीच में कुछ भी होने दो मैं कुछ नहीं बोलता यार, ट्रेंडिंग अगर होना तो इस पे। अच्छा जैसे ही तोड़ेगी आपको 500 से 450 मतलब 440 400 तक भी जा सकता है, 500 का पहला टारगेट, 440 400 दूसरा टारगेट। तो ये है सर निफ्टी का। सर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, सर बैंक निफ्टी भी स्ट्रक्चरली वीक है, जब तक 33,750-800 जोन नहीं काटेगा ऊपर की तरफ 34,300 के चांसेस नहीं बनेंगे, वो काटेगा तो चांसेस बनेंगे। सेम वे अगर आप आवरली टाइम फ्रेम लगा लो और ये तीन डॉट्स कनेक्ट करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती है जो करीब आती है 33,100 के पास। अगर कल 33,100 काट देता है, 33,100 काट देता है तो हो सकता है सर 33,000 मतलब एक बार काट दे 33,100 33,000, तो आपको 32,750 32,500 और 32,200 32,000 तक भी आ सकता है इतनी बड़ी गिरावट। तो ट्रेंडिंग होना है तो ये बीच में इधर उधर होना चाहिए। दूसरी बात
अगर इन चीज़ों के नीचे गैप अप गैप डाउन होता है तो भाई मेरा व्यू कैंसिल है। इसके बीच में खुलना चाहिए, लाइंस के बीच में, और तब तोड़ेगा तो एक्चुअली पावरफुल मूव आएगा। गैप अप गैप डाउन चीज़ें का स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं, फिर वो लाइव मार्केट में लाइव मोमेंटम के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बाद में ये नहीं बोलना आपने बोला था ना, मैंने किया ना, मैं हुआ ना, वो मेरे पास नहीं आना भाई। मैं शॉर्ट टर्म पढ़ा दूँ, मैं उल्टा सुना दूंगा, पहले कह रहा हूँ। हाँ, तो आपको दोनों तरफ से मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत सिंपल व्यू है, सिंपल ट्रेडिंग है सर, बहुत आसानी से हो जाएगी अगर बीच में खोलोगे और बीच वेट करोगे मोमेंटम का, अदरवाइज साइडवेज रह के पैसे गंवाने का ही मार्केट है। ठीक है, इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।